नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2019 का आगाज हो चुका है और राजनीति के अखाड़े में एक बार फिर राम की चर्चा है। यह चर्चा इसलिए है क्योंकि साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि राम मंदिर के मामले पर केंद्र सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाने जा रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तो केंद्र सरकार किसी दूसरे रास्ते के बारे में नहीं सोच सकती। राम मंदिर पर पीएम मोदी का वही स्टैंड है जो जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे उसके सहयोगियों का रहा है। एलजेपी और जेडीयू पहले ही कहते रहे हैं कि राम मंदिर पर फैसला या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा। राम मंदिर पर पीएम के इस स्टैंड के सामने आने के बाद जेडीयू अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। जेडीयू का दावा है कि राम मंदिर को लेकर जेडीयू का जो पहले से स्टैंड रहा है, पीएम उसी स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच सवाल यह भी है कि क्या सहयोगियों के दबाव में बीजेपी या सरकार झुकी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू यह दावा कर रही है कि राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड जेडीयू का पहले से रहा है, पीएम का भी अब वही स्टैंड है जो उनके इंटरव्यू से सामने आया है। पहले जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद की बात सुनिए। अरविंद निषाद जी, क्या पीएम का जो स्टैंड सामने आया है राम मंदिर पर, तो जेडीयू को क्या लगता है, जेडीयू के दबाव में आई है या जेडीयू एलजेपी जैसे दूसरे सहयोगी जो राम मंदिर पर पहले ही कहते रहे हैं कि फैसला या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा, तो उसका असर बीजेपी पर पड़ा है या केंद्र सरकार पर पड़ा है, उस दबाव में यह नया स्टैंड सामने आया है, क्या लगता है? देखिए, देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी राम मंदिर के मुद्दा पर शुरू से कह रही थी, या जब से हमारा भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था तो उस समय ही हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा रखा था कि भाई देश में जो राम मंदिर है, उस राम मंदिर का निर्माण आपसी राजामंदी से हो या कोर्ट के निर्णय से हो। आज उस बात पर मुहर लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया है देश के साथ, और जेडीयू के बात को मुहर लगाने का काम किया है कि भाई संविधान से ही देश मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए संविधान की बात तो कर रहे हैं आप, संविधान, लेकिन अध्यादेश लाना भी तो संविधान के दायरे में ही आता है ना। संसद का अधिकार है, एक सरकार का अधिकार है अध्यादेश लाना, लेकिन एलजेपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों को अध्यादेश मंजूर नहीं था, तभी तो कहा गया कि राम मंदिर पर फैसला कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब अध्यादेश, देखिए अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोनों में दो तरह की बातें हैं। अध्यादेश वर्तमान सरकार लाएगी, वर्तमान सरकार में सहयोगी दल को विश्वास में अध्यादेश लाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारा जब पूर्व में स्टैंड है कि भाई आपसी राजामंदी या कोर्ट के निर्णय से संविधान मंदिर का निर्माण होगा, तो फिर इस मसले पर मैं समझता हूँ कि अकेले कोई भी पार्टी या स्वयं प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो जेडीयू साफ कह रही है कि राम मंदिर पर अकेले कोई दल फैसला नहीं ले सकती, तो फिर क्या सवाल नहीं उठता कि जब फैसला कोर्ट से ही होना है तो फिर बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से आने वाले उन बयानों का क्या मतलब है जिसमें यह दावा होता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आपसी सहमति के अलावा कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं, तो फिर उन बयानों और उन दावों का क्या मतलब है? पहले वो तमाम बयान सुनिए, बयानों से अगर आपको लगे कि बीजेपी के दूसरे नेताओं और मंत्रियों के स्टैंड पीएम मोदी के स्टैंड से मेल खाते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है हमारी समझ अधूरी हो क्योंकि हमें यह विरोधाभास दिखता है, हमें स्टैंड में अंतर दिखता है और बयानों में खाली सियासत दिखती है। धरती पर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा, बताइए। 100 करोड़ हिंदुओं के मन में विषाद पैदा होगा और वो विषाद जब आक्रोश का ज्वाला फूटेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं। उधर राम मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बीजेपी की नई मुश्किल है। आरएसएस के सर कार्यवाहक भैया जी जोशी पहले कह चुके हैं कि राम मंदिर पर सरकार को कानून लाना चाहिए। वहीं बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अगर राम मंदिर का निर्माण से जुड़ा हुआ कानून संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पास नहीं हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। वहीं सहयोगी शिवसेना ने भी मंदिर नहीं तो सरकार नहीं का नारा देकर बीजेपी की मुश्किलें पहले ही बढ़ा रखी है। दरअसल राम मंदिर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर दोहरा दबाव है। एक तरफ जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगी लगातार यह कहते रहे हैं कि मंदिर पर फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी
बनेगी या आपसी सहमति से होगा, जबकि आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार पर कानून बनाने का दबाव बनाते रहे हैं। सहयोगी शिवसेना भी मंदिर पर कानून के पक्ष में है। जाहिर है इस दोहरे दबाव में बीजेपी पीस रही है और राम मंदिर पर पीएम के नए स्टैंड के बाद यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगियों का दबाव आरएसएस बीएचपी और शिवसेना के दबाव पर भारी पड़ गया है, क्योंकि खुले तौर पर ही नहीं सही लेकिन सधे शब्दों में जेडीयू अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। बहरहाल यह मामला कोर्ट में है और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार किसी दूसरे रास्ते के बारे में सोचेगी। तो क्या मंदिर मुद्दे पर सियासत अब थम जाएगी? क्या राम मंदिर पर राजनीति का पारा अब उतर जाएगा? खुद पीएम ने कहा है तो होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन मौसम चुनाव का है और देश में राम राज आए चाहे ना आए, लेकिन राम के सहारे राज लाने की कोशिश होती रही है। राम मंदिर पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मुद्दा रहा है, इसलिए बहुत हद तक संभव है कि मंदिर पर पीएम के ताजा बयान के बाद मामला थमने की बजाय और गर्म हो जाए, क्योंकि अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि राम को लेकर आरएसएस बीएचपी और शिवसेना का जो स्टैंड रहा है उसमें पीएम के इस बयान के बाद क्या साइड इफेक्ट होने वाला है और इस इफेक्ट से राजनीति कितनी इफेक्टेड होने वाली है। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद।